आता है प्यास का मजा मुठ मार के खाने में आता है। आपको लगता है कि बाहर रहने के बाद इंसान खुश रहता है? ये बहुत तगड़ा भेदभाव है, लड़की में पहले डाल देते हैं वो लड़की। चाइनीज कितनी उम्र की है, कुछ दिन और रुकी जाते दहेज में मिल जाती है। सारे दुख दर्द तकलीफ एक तरफ है, तकलीफ एक तरफ है जो ये सफर में टॉयलेट लगता है। इंसान करे तो करेगा, जाए तो जाए। पिछले आधे घंटे से होगा बड़ा हूँ, किसी को बता भी नहीं सकता। तो ये इमरजेंसी डोर है कि पैसेंजर को अचानक से टॉयलेट या कुछ भी लग जाता है बहुत तेज का, तो ये इमरजेंसी डोर है, यहाँ से कूद के जा सकता है बंदा, यहाँ से भी कूद दे कोई दिक्कत की बात नहीं है। इमरजेंसी डोर है, किस कदर मदद कर रही है बस वाले सारे पैसेंजरों के। मुकेश मेरा भाई कड़ा की गर्मी पड़ रही है, चाटे मार रही है तू। देखो यार कुछ भी चीज़ आसान नहीं है, कोई भी किसी की भी फट सकती है कहीं भी। इन लोगों को लगता है कि बाहर रहने के बाद इंसान खुश रहता है, घर से दूर रहने के बाद बहुत सुकून से ज़िंदगी गुजरती है, ऐसा कुछ नहीं है। ये देखो दूध दही भी खरीद के लेकर आने पड़ रहे हैं, दूध दही निकालने की उम्र में दूध दही खरीद के लेकर आ रहा हूँ। कितनी तकलीफ है ज़िंदगी में, और तुम लोगों को तकलीफ नहीं दिखती। अंग्रेजी शराब गाइस, यहाँ का माहौल बहुत पढ़ा लिखा है, यहाँ की शराब तक अंग्रेजी बोलती है। मैं समझ गया, मुझे लगता था कि सिर्फ मैं ही हूँ जो पढ़ाई में कमज़ोर हूँ। सिर्फ मैं कमज़ोर नहीं हूँ, मेरी टांगे भी कमज़ोर हैं पढ़ाई में। वैसे टांगे पड़ती नहीं किसी की, और मैं भी इन लॉजिकल बातें करे जा रहा हूँ। गाड़ी को एलेक्स पे डाल दे रहा हूँ मैं, और लिखूँगा ओके कंडीशन है गाड़ी। दिन ऐसे चल रहे हैं कि चाय भी खुद बनानी पड़ रही है। अब देखता हूँ आगे क्या क्या खुद बनाना है मुझे। खुद को चूतिया तो काफ़ी बना रखा है मैंने। जिन लोगों को लगता है ना कि मैं बहुत गंदा हूँ और गंदा ही रहता हूँ, साले तुम्हें चीज दिखाऊँ, ये देखो हीटर्स, ये देखो अच्छा टूथब्रश, तुमने नहीं देखा होगा ये, तुम मुझे बता। अभी भी बबूल की डंडी, बबूल है नीम की डंडी से दांत माँजते हो। देखो मैं बड़े शहर में आया हुआ हूँ, मैं टूथब्रश यूज करता हूँ, ब्रश ही कहते हैं ना इसे, पता चले मैं भी कंफ्यूज हूँ, क्योंकि मैं भी पहले नीम की डंडी से ही दांत माँजा करता था। चार दिन से यही हो रहा है, इसी दरवाजे से ही 3 बज जाते हैं दोपहर के, इस दरवाजे से ही रात के 10 बज जाते हैं। यहाँ मैं वैसे बहुत कम लोगों को जानता हूँ, एक भाई हैं जान पहचान के, मतलब बहुत ही खास हैं, अजीज़ हैं यहाँ के, तो वो आ रहे हैं मुझसे मिलने के लिए। 3 दिन से यही हो रहा है, सुबह उठ जाता हूँ फिर रूम पर रहता हूँ, ऐसे करते करते डेली 10 बज जाते हैं रात के, आज भी रात के 10 बज चुके हैं। फिर से वही रूटीन चल रहा है जैसे डेली रहता है मेरा। मैं दिन ब दिन राजा बाबू बनता जा रहा हूँ, जैसे घर वाले चाहते थे कि पूरे दिन घर में रहे, लो घर में ही हूँ मैं। जिस घड़ी का इंतजार था वो घड़ी आ चुकी है, OLX से। खैरियत मेरे भाई का? और भाई मैं नहीं आ रहा, मुझे एटीट्यूड आ गया। हाँ भाई सलाम कर दो, झुक के रहना पड़ेगा मेरे आगे। और ये 200 नंबर घड़ी है इधर, यहाँ लड़कियों के लहंगे मिलने हैं। कब आएगा वो दिन जब मैं अपनी बाबू को दिलाऊंगा ये लहंगा? ठीक है बात, कभी नहीं आएगा। अरे लो पकड़ो, अरे पकड़ लो पूरा। अच्छा कब की कह रहे हो क्या? मजा आया, लो उन भाई को। तो तुम भी नहीं पी रहे? पी लो यार, मेरे तो दाने हो रहे, मैं तब भी पी रहा हूँ। जियो क्या जी आई है मेरे पास? तो जियो नहीं है, कुछ दिन और रुकी जाते दहेज में मिल जाती है। मैंने तो उम्मीदें छोड़ दी है, मुझे ऐसा लग रहा होंडा मिलेगी दहेज में भी। क्या बात हुई, कोई लड़की देती यही बहुत है। उठा मत देना, मेरी शलवार फट जाएगी। ठीक है बात हुई, ठुकरे के बाद इसी हॉस्पिटल में आना है हमें। तो तकरीबन 4 से 5 दिन बाद जा रहे हैं रील बनाने के लिए, देखें किस टाइप की रील निकल कर आएंगी। और ये मैक को लंबाई आ चुके हैं, इंतजार कर चले। अरे अब तो इतनी इज्जत कर रहे हो तो चलना ही पड़ेगा। हम लोग 5-7 लोग रात है, हम फेल दिए जी अभी, हमारी फेल देंगे, वीडियो बनाएंगे, वीडियो तो बनाएंगे। अच्छा एयरटेल बात हो गई है भैया, शाहरुख खान 220 220। अच्छा पेट्रोल 220 का। धूप तो हद से ज्यादा तेज है, मेरी एक्स से भी ज्यादा। सही कह रहा हूँ भाई साहब, मेरी एक्स से तेज नहीं है धूप। ये बहुत तगड़ा भेदभाव है, लड़की में पहले डाल देते हैं वो, लड़की में कह रहा हूँ लड़की की गाड़ी में पहले डाल देते हैं पेट्रोल। अब मुझे ऐसा लग रहा है कि मुझे बुरखा पहन के आना पड़ेगा। हाँ 220 प्यार से डालना, नई गाड़ी से तकलीफ ना हो। तकलीफ बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं होगी तकलीफ। छेद करें बड़ा, हाँ दिया ना इसके तकलीफ बड़ा छेद किए इसमें, आराम से डालने वेल्डिंग करा रखी है गाड़ी में, कैमरे की निगरानी में। भाई साहब तुम मुझे बता, अगर कम डाला यहीं कहीं पाड़वा दूंगा तुम्हें। झुक के रहना पड़ेगा मेरे, लास्ट की बूंद भी डाल दो। दो इनमें और इनमें कॉन्ट्रोवर्सी चल रही है बहुत तगड़ी, दोनों एक दूसरे का करियर खा रहे हैं। ये बात हुई, सब नसीब का खाते हैं। रफ्तार भाई चलाता है कौन सा पार्क? इंदिरा गांधी जी ने बनवाया। इंदिरा गांधी जी ने कपल वगैरह बैठते होंगे यहीं, तो होता है वो। देखो ये बैठे तो है कपल। हाँ। ये क्या बात है पुलिस वाले?
मैं कह रहा हूँ भाई साहब बिल्कुल तीखा बनाना है ऐसा कि खाती सबको बवासीर हो जाए। ये क्या बात हुई, बवासीर पहले से ही है आपको नहीं इनको। तो आज आपको एक गुप्त की बात और बता दूं, आज 18 मई है। वैसे मेन मुद्दा ये नहीं, मेन मुद्दा ये कि आज मेरा बर्थडे है। सबसे बड़ी बात कि मैं अपने घर नहीं हूँ, कहीं आया हुआ हूँ। जिंदगी में पहली बार हुआ है कि बर्थडे हो और मैं अपने घर नहीं हूँ। मतलब अजीब लग रहा है बहुत। लोगों ने विश करा मुझे इंस्टाग्राम पर भी, बहुत मेंशन आए, कॉल्स भी आई मेरे पास, लेकिन जो घर वाली बात होती है यार वो बाहर नहीं आ पाती, चाहे इंसान कुछ भी कर ले, कितना भी कर ले। अब देखते हैं यार क्या होता है। अच्छा ये जगह पीछे खुलती है शलवार की तरह, जगह तो बहुत प्यारी है। मैं एक चीज बताऊं, सुबह से शाम तक मैं मतलब मुझे पता नहीं था कि मैं बर्थडे है या मनाऊंगा अभी मैं। यही डलेगा अब तो, ये डलेगा पूरा बिना तेल के। अंडे आलू है? अंडे आलू चाइनीज उम्र की है? कितनी उम्र की है चाइनीज? कितनी उम्र की है? अरे खाने की चाइनीज है ये, उम्र उम्र बिलर तो नहीं होगी? नहीं नहीं, मैंने देखी है ना बिलर होती है काफी। नहीं वो नहीं तो नहीं। और ये दाल वाला कौन सा दाल है? मसाले वाला दाल, उसका भी होता है क्या? अच्छा ये क्या लिखा है, ये क्या है? रेडी। वो कंफ्यूज हो गए बेचारे, वो कह रहे मैं ना ले रहा इनसे ऑर्डर, खुद देकर आएंगे। वो देखो बेचारा वैसे कंफ्यूज है, इतना कंफ्यूज है अपनी चार बेटियों की शादी कर दी। अब नहीं आ रहे चिली पनीर, अब नहीं आ रही है चिकन पनीर, चिली पनीर, चिली पनीर देंगे ड्राई ड्राई। और रोटी कौन सी खाऊंगी? बाजरे की रोटी, मोहन बाजरे की रोटी, रोटी वो काफी मजबूत होती है, उसे आरी से काटना पड़ेगा। तीन पीस सूट, थ्री पीस तो नहीं है, कोट पैंट वगैरह हो? गार्लिक नान ना करो, गाली गलो जो करते नहीं है वैसे। दो नहीं दे दो, ले तो लेंगे। रशियन कॉकटेल, कोई कोई पिंक कलर की हो कोल्ड ड्रिंक। प्याज अच्छी है वैसे, तुम लोगों को बताया प्याज का मजा मुठ मार के खाने में आता है? अरे प्याज का मजा तब आता है जब उसे मुठ मार के खाया जाए। कहीं आमलेट ही मुझसे ही तो नहीं बनवा रहे? प्याज पहले भेज दी है उन्होंने, प्याज भेज दी, अंडे मुझसे ही बनवाएंगे? मैं खुद ही आमलेट बनाऊंगा, ये समझ गए? मैं हस्बैंड मटेरियल हूँ तो मैं अपने बाबू को भी खुश रखूंगा। अगर तुम लोगों की आंखों में शर्म हो तो मेरे एक बाबू बनवा दो प्यारा सा। ठीक है लेकिन मुझे 2 करोड़ की जरूरत है, इसको बिकवाओ यार। ये खिलौने हर मार्केट में मिल जाते हैं। मैन कोर्स यार, एक तो तुम लोग यार पढ़े लिखे नहीं हो। अब ये तो मेरी बात दिल पे ले गए भाई यार। हाँ जो बोलोगे आप वो आ जाएगा, चिड़िया का दूध भी पता नहीं था। अरे यार इसकी क्या जरूरत थी दुआ भाई, ये मेरे भाई ये बनवा के लाएंगे, क्या जरूरत थी इसकी? अच्छा ये मेरे पैदाइश की निशानी है। उस दिन गंदा काटो। अड्डे टू यू, हैप्पी बर्थडे यार माज टू यू। हाँ भाई केक तो खा के जाएंगे भाई का। भाई हम लोग भी हैं। मुझे बता तुम हाथ धोते नहीं हो लेकिन आज धोगे क्योंकि तुम रेस्टोरेंट में आए हो, ठीक है? वो भी मेरी बदौलत। झूठ बोले हो क्या माज भाई, तुमने पार्टी दी है? माज भाई आपने, आपका बर्थडे, आपने पार्टी दी है। वैसे मजा आया झूले दिखा नीचे से? अगर आप में से किसी को मेरा ब्लॉग हल्का भी पसंद आया तो मेरा चैनल सब्सिडी कर दो और घंटा भी दबा दो प्यार से।